वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु रूप, गुरु खालसा, साध संगत जीओ। सतगुरु महाराज, धन धन श्री गुरुदेव बहादुर महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास श्रवण करने वास्ते एकत्र होए हाँ। जिवें आपां श्रवण किया है वे महाराज जी ने पावन पवित्र श्री आनंदपुर साहिब दा साध संगत जी नगर बसाउणा किया है। बेअंत संगत आ रही हैं, पीर दी शंका महाराज जी ने दूर कीती है। दूरों दूरों जिवें जिवें संगतां नूं पता लग रहा, नित प्रति संगत आए नवीन डेरा पर है बनज होए पीन। नेता प्रति साध संजी नवी तो नवी संगतां दूरों नेड़ियों साध संजी चल चल के महीने महीने नंगे पैरी चल चल संगत आ रही दिने रात साध संजी चल चल के, क्योंकि साधन उस वेले इन्ने नहीं सन। जिन्ना दूरों साध संजी कांसी आदिक इस तरह काबल कंधार इधरों संगत चल चल के जिन्होंने दो दो तीन तीन महीने साध संजी आन ही लगते सन। आ के महाराज जी के दर्शन करते, डेरा लाते, साध संजी खुशियां लेंदे, ब्रह्म ज्ञान दी बख्शिशां जिहो जिहो किसी की आ साध संजी मनसा हुंदी इच्छा हुंदी महाराज जी पूरियां करते। इस तरह कई साध संजी अपना रुजगार वास्ते उत्थे ही रह लेंदे, उत्थे ही जिहड़े बाणी आदिक सन बैसन आ दुकान बनाई, गरीब गनी गरीब बसे समुदाय। अपनी रुजगार वास्ते साध संजी जिहड़े बैस सन उन्होंने दुकाना बना लिया, अमीर गरीब आ के बस रहे ने भी इत्थे महाराज जी कोल रहांगे, नाले महाराज जी दर्शन, नाले साडा वणज व्यापार चली जाएगा। इस तरह कितक सिखन ही रचै आवास, हेत जीव का कीन सुभास। कितने ही गुरसिखा ने अपने मकान उत्थे बना ले उपजीविका वास्ते। इस तरह जिहड़े साध संजी कारीगर आदिक ने वह आ के रह रहे ने, इस तरह कृषिकार ने जिहड़े वह आ के रह रहे ने महाराज जी के कोल रह रहे, तो इस तरह बेअंत बख्शिशां हो रही। इस तरह आए सैकड़े नित नर नारी रह भीर दरबार अगारी। सैकड़िया की गिणती में साध संजी इसत्री पुरश आते महाराज दरबार अगे भीड़ लगी रही। बेअंत ही मसंद चल चल आते, अनक फकीरन पंगत आई। अनेक ही साध संजी फकीर साधु महात्मा सन्यासी आदिक वह भी आ के साध संजी महाराज जी को रह रहे। 700-800 की गिणती जिन्हों की सी जेडे साध संजी जो पंघाणी का जंग, फिर हौली हौली 500 रह गए सन। पंघाणी का जंग होया जिस वेले 10वें पातशाह तक फिर रेंदे रहे सन। फिर जो पंघाणी का जंग होया सारे ही साध संजी दौड़ गए सी भी महाराज जी तो हुण जंग करन लग पए, असीं जंग किवें करांगे। सिर्फ महंत कृपाल चंद जी साध संजी रहे सन, जिन्हों का नाम बचित्र नाटक अंदर भी महाराज लिख रहे हैं। सो इस तरह उपजीविका वास्ते भी नाल वे महाराज जी के कोल रहांगे, जन्म सफला होवेगा, जन्म सुधार है, गुर गुर कहें जन्म सफला करदे साध संजी। गुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जपदे दिन प्रत ऐश्वर बजह है विशाला, दुगुण चुगुना दस गुण जाला। निता प्रति महाराज जी पास भी साध संजी बेअंत माया आ रहे, तो इसी तरह जिहड़े उत्थे रह रहे उन्होंने भी साध संजी बणज विवहार में बहुत उन्होंने मुनाफा हुंदा। गुरु घर की शोभा साध संजी वध रही, एक संगत आ रही है, एक संगत जा रही है, बेअंत ही रौनक। इस तरह महाराज जी के दरबार अगे धन की गिनती कछु ना होए, दिन प्रत गुर आगे बहु जोए। महाराज जी के अगे इन्नी माया आउंदी कहिंदे गिनती नहीं की जा सकती। महाराज जी निर्लेप रहिंदे ते दीर्घ देग बने है जुगकाला, होत गर्ज होत खर्च ले अन्न विसाला। दोनों समया महाराज जी के हजूरी में साध संजी बेअंत देगा बन दया, बेअंत कड़ा प्रसाद बन दे, तो बेअंत ही देग नाम लंगर का लंगर बन दे साध संजी। लंगर वरताए जाते, कोई गरीब हों दूरों नेड़ों जोड़े भुखे चल चल आते महाराज जी के लंगर में छकते साध संजी निहाल होंगे, तो बेअंत ही जोड़े मसंद आदिक ने जो होर सिख ने कमाइया करने वाले उन्होंने महाराज जी सरूपे देंगे। इस तरह जी माया है साध संजी बेअंत ही रग रही, तो महाराज जी को जिनी माया आँगी महाराज जी कूप लगाव हो कहें भी खूह लगा दो जिते लोड़ है, सदन बनावो, जे किसी गरीब नूं घर की लोड़ है घर बना दो, खर्च हो पुर के हेत बसावो। जिहड़ा कोई नगर है उन्हूं बनाउण वास्ते उहदे वास्ते धर्मशाला बना दो, इहदे वास्ते ही महाराज जी खर्च जांदे। पूर्व देशां नूं भी जदों महाराज जी अगे जा के भी प्रसंग आउणगे वी महाराज जी माया नहीं सी कोल रखदे, वो इस तरह पर उपकारा वास्ते साध संजी खर्च दिया करते, धर्मशाला मुसाफिरखाने आदिक सरां आदिक बनाणियां इत्थे ही ला दिया करते सन सतगुरु महाराज। तो इस तरह बेअंत बेअंत साध संजी सिख संगत दूरों दूरों नेड़ों आ रही, तो महाराज जी पास बेअंत ही गुरु के कीर्तनीय होर गुरु के सिख आ रहे, जिन्हां विच प्रिंसीपल सतवीर सिंह जी साध संजी उन्हां दे नाम लिखते वे बेअंत कीर्तनियां विचों महाराज जी ने सद्दा दे के रबाबियां नूं कीर्तनियां नूं भाई गुलाब राय जी आदिक, भाई राजा जी, भाई बहल जी, भाई मनसूद जी ते भाई हरबंस
ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰੌਣਕਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਸ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਲਿਖੈ ਕਤ ਹੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।